हमेशा पानी पीते वक्त पानी को देखकर पानी पिया करो, नज़र तेज़ होने लगेगी। जो बंदा खाने के बाद अपनी उंगलियों को अच्छी तरह मुंह से साफ करता है, इसका रिस्क बढ़ा दिया जाता है। जिस घर में प्याज का पौधा लगा हो, उस घर में जहरीले कीड़े नहीं आते या बिच्छू नहीं आते। पेशाब रोकने से लकवे का खतरा होता है। नहाने से पहले नमक चख लो, कभी खारिश नहीं होगी। उल्टा सोने से सांस लेने में दुश्वारी होती है। रीढ़ की हड्डी में दर्द के इम्कान बढ़ जाते हैं। मोहरों पर दबाव पड़ता है, इसलिए उल्टा सोने से परहेज़ करो। अजवाइन को नाक के साथ लगाकर सूंघो, बंद नाक भी खुल जाएगा। जो औरतें अपनी गिज़ा में दूध दही का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं, वो औरतें जल्दी बूढ़ी नहीं होती। बाल गिरने या खुश्की का मसला हो तो प्याज छीलकर कुचल लें और शहद में मिलाकर खूब अच्छी तरह मिक्स करें। जिस जगह बाल उगाने हो, उस जिल्द को खुरदरे कपड़े से रगड़ लें। इस पेस्ट का लेप करें, गंजपन की शिकायत दूर होगी और नए बाल आ जाएंगे। केले पर शहद लगाकर खाओ, दिमाग तेज़ होगा। चेहरे पर दाग धब्बे और दानों से बचना है तो करेले का पानी पी लो, इससे चेहरा साफ हो जाएगा। बदनुमा दाग साफ होंगे और दाने ख़त्म हो जाएंगे। शहद के सिवा हर मीठी चीज़ में जहर मौजूद है और जहर के सिवा हर कड़वी चीज़ में शफा होती है। लड़की अपने बूढ़े वालिदीन या ससुराल में कोई शख्स ऐसा हो जिसे सुनाई ना देता हो तो दो या तीन कतरे कान में डाल दे, बूढ़े शख्स को भी तेज़ सुनाई देगा। और अगर कान में दर्द हो तो इसके लिए भी यही तरीका आजमाएं। अब जानिए कान में दर्द क्यों होता है और कम सुनाई क्यों देता है। कान में दर्द की वजूहात और खतरे के अवामिल। कान में दर्द अक्सर उस्ताखी नली में रुकावट की वजह से होता है। ये रास्ता जो दरमियानी कान से नाक और गले के पिछले हिस्से तक फैला हुआ है। हवा और सियाल गुजरने के रास्ते नहीं बनते, जिसकी वजह से दबाव और दर्द बढ़ जाता है और इसी की वजह से सुनाई कम देता है। कानों से कम सुनाई देता हो तो ताज़ा जैतून कुचलकर मलमल के कपड़े में लपेटकर दबाएं, जैतून का ताज़ा और खालिस रस निकल आएगा। तो इसमें थोड़ा सा शहद डाल दें और रात को तीन कतरे कानों में डालें, कानों से सही सुनने लगेगा। अगर कान दर्द करते रहते हैं तो दर्द भी ठीक हो जाएगा। इसे इस्तेमाल करने के कोई भी नुकसान नहीं होंगे। उल्टी मतली या पेट में दर्द हो तो बड़ी इलायची चबा कर पानी पी लें, फौरी आराम आ जाता है। नाश्ते के एक घंटे बाद गाजर खाने से चेहरे पर खुश्की नहीं आती और जिल्द साफ हो जाती है। अलसी के एक दो बीज चम्मच खाने से जोड़ों का दर्द, कैंसर और दिल की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। जुकाम की वजह से नाक ना खुल रहा हो तो अजवाइन की धुनी लें। पेट के बल सोना सेहत के लिए नुकसानदेह है। पानी ज़्यादा पिया करो, गुर्दे खराब नहीं होंगे और जिस्म में नया और ताज़ा खून बनता रहेगा। रात को सोते वक्त आँखों में सुरमा डालो, आँखें हमेशा ठीक रहेंगी। आँखों के सामने अंधेरा छा जाता हो या चक्कर आते हो, सर की खुश्की हो या दिमाग कमज़ोर हो या भूल जाने का मसला हो तो नाफ में जैतून का तेल लगाया करें। नाफ में जैतून का तेल लगाना जिस्म की सुस्ती, काहली और ढीलेपन को दूर करता है और निगाह को तेज़ करता है। रोज़ाना सुबह के वक्त घर की सफाई करने से रिस्क में इजाफा होता है। रोटी को चबा कर नहीं खाओगे तो इससे कमर का दर्द होगा। ज़्यादा नहाने से फालिज जैसी बीमारी नहीं होती। ज़्यादा नहाने से दिमाग फ्रेश रहता है। पेशाब रोकने से लकवे का खतरा होता है। ज़्यादा थूक फेंकने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। जेब के अंदर लोहे की कोई चीज़ रखने से जादू असर नहीं करता। अगर आपके वॉशरूम गंदे होंगे तो आपको बहुत जल्द बीमारियां घेर लेंगी। घर में परेशानियां आएंगी
और रिश्ते या शादी करने में हमेशा देर होती जाएगी। वॉशरूम में मोबाइल का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए, इससे आपको भूलने की बीमारी लगेगी। जो एक सांस में पानी पीने का आदि हो वो शख्स जल्दबाज होता है। जो रात को बावजू होकर सोते हैं उनको बुरे ख्वाब कभी नहीं आते। अपने दिमाग को मजबूत करना है तो दही के अंदर बादाम डालकर माथे की मालिश करो। रात को जो शख्स जराबे पहनकर सोते हैं इनकी उम्र कम होने लगती है। अगर तुम हमेशा अपनी जवानी को बरकरार रखना चाहते हो तो नीम गर्म पानी के अंदर खजूर के दो दाने भिगोकर मुंह में डाल लिया करो। अक्सर चमेली के फूल सूंघ लिया करो, तुम्हारी याददाश्त तेज़ रहेगी। मसूर की दाल अक्सर खा लिया करो, इससे पेट की बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें। शुक्रिया।